पहले पवन जी खुद बताइए आपने वीडियो देखा, आपको कैसा लगा अपने फिल्म का ट्रेलर? अपने सामान खराब बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि हम लोग रिपीट करके देखे। ट्रेलर देखने से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि फैमिली एक औरत इसमें कैसे मतलब विकराल रूप लेती है। आपको ट्रेलर कहानी थोड़ा बहुत दिखा ही ट्रेलर देखिए कि हाई स्कूल में कहानी क्या हो सकता है, उसे बहुत ही अच्छा लगा। शादी जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। इस फिल्म के लिए क्या आप लोग चाह रहे हैं इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन जितना भी बात बहुत बहुत आवाज जी का जो काम मैंने आज देखा था बहुत ही अच्छा लगा और उम्मीद है कि हमारे श्रोता को जरूर ये फिल्म पसंद आएगी। पवन जी, आपने फौजी का किरदार निभाया हुआ है, आप ये किरदार निभाने के बाद आप फौजियों के बारे में कुछ कहना चाहते हो या आप कुछ ज्यादा समझ सके देशभक्त फौजियों के बारे में? तो देखिए, हम जितने नौजवान हैं, देश के जवान है, ये है एक जवान सीमा पे है, जितना लोग जग के मेहनत करते हैं तो हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। और हमको जो मेरा श्रोता आशीर्वाद दे के सिंगर से एक्टर बनाया है, तो हम तो जो भी संदेश देंगे कलाकार होने के नाते एक्टिंग करके ही संदेश देंगे। और फौजी किरदार हमके करके जब हम पुलिस ड्रेस पहनी ला तो हमके बहुत ही अच्छा लगेगा, जो महसूस करता हूँ उससे बहुत अच्छा फील होता है। फौजी कैरेक्टर निभा के हमके बहुत ही अच्छा लगेगा। कौन राजा आज रिलीज हुई है, किस तरह की प्रतिक्रिया है? कौन राजा जो फिल्म है थ्रू आउट नहीं, लेकिन हल्का फुल्का हमारे जीवन पे आधारित और आज मुझे बिहार से बहुत सारा फोन आया कि भैया बम्पर ओपनिंग लगी है। ये कलाकार के लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ हो ही नहीं सकती है कि पिक्चर रिलीज हुआ और बम्पर ओपनिंग लगे, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हमारे श्रोता जो मेरे लिए भगवान है, हमेशा अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें और कौन ऐसे ही लगातार दिन पर दिन और भी मेहनत अपना बढ़ाता है। अभी हमारी फिल्म शुरू होने वाली है जिस फिल्म का नाम है वांटेड, इसका शूट हम लोग लखनऊ और खजुराहो में करेंगे। मेहनत तो जीवन भर करना है, हर रोज कुछ ना कुछ मिलता है सीखने। वैसे अभिनेता से नेता बनने के बाद पवन जी थोड़े ज्यादा व्यस्त है, मीडिया के सामने आज को कम दिखाई दे रहे हैं, दोनों जिम्मेदारियां कैसे संभाल रहे हैं पवन जी? देखिए, कलाकार होना और कलाकार होने के बाद बिजी हो जाना, ये ऊपर वाले के आशीर्वाद से किसी किसी को मिलता है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। कोई काम कर करके थक रहा है और किसी के पास अगर काम नहीं है तो भी परेशान नहीं, मेरे पास काम नहीं। भगवान करे कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो भी कलाकार हैं, जो भी काम करता हमेशा बिजी रहे और बहुत आगे बढ़े, ये एक भाई होने के नाते सबके लिए ये दुआ है, सब लोग बिजी। और रही बात, कल तक आदमी सिर्फ गाना गाता था, लेकिन गाना के साथ साथ आज 10 साल से एक्टिंग कर रहा है। और जैसे आपने एक सवाल पहले किया कि फौजी किरदार करके आपको कैसा लगता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारा देश है और जिस देश में जहाँ पे जिस जगह पे कहीं बात हो रहा हो, सबका साथ सबका विकास, मेरा भी मन करता है कि हम इसी कदम से ये
अच्छा सवाल किया आपने। पिक्चर शुरू होने के पहले अगर हम मुंबई में कोई फिल्म देखते हैं तो ढाई मिनट पिक्चर देखने से पहले खड़ा होके हम सासर में खड़ा होके हम लोग सुनते हैं देखते हैं, ये हमारी मौजूदगी में भी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, लगा हूँ, आगे आप लोगों का साथ, आप लोगों का सपोर्ट, विकास के बाद।